जवाहर कला केंद्र की ओर से शुक्रवार 9 अगस्त को आदिवासी दिवस के अवसर पर आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर 65 कलाकारों ने आदिवासी संस्कृति के सौंदर्य से सरोबार करने वाली मनमोहक नृत्य व गायन की प्रस्तुति। पारंपरिक परिधानों में तैयार होकर कलाकार केंद्र के डोम एरिया में एकत्रित हुए। यहां उन्होंने वाद्य यंत्रों की धुन के साथ प्रस्तुति की झलक दिखाई। इसके बाद सभी रंगायन पहुंचे। यहां कलाकारों ने सर्वप्रथम आदिवासी गीत गायन की प्रस्तुति दी। इसके बाद फाल्गुन मास में किया जाने वाला जाडोल गाँव के प्रसिद्ध नृत्य घुमरा नृत्य ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। इसके बाद कन्हैया दंगल और हेला ख्याल प्रस्तुति किया। इसके दौरान उन्होंने अपने अंदाज में श्यामा और गोपाल की प्राचीन कथा की चौपाइयों में वर्णन किया। यह कथा एक भाई और बहन की कथा है, जिसका मर्म है कि श्यामा मेले में जाने के लिए अपनी भाभी से ओढ़नी मांगती है और उसकी भाभी इसी शर्त पर देती है कि उसमें कोई दाग लगा तो वह ओढ़नी उसी के खून से रंगवाएगी। आखिरकार चुनरी मैली हो जाती है और श्यामा का भाई गोपाल बहन का सिर काट कर ओढ़नी रंगता है। कुछ ही देर में उसके भाई गोपाल की भी मृत्यु हो जाती है। चूँकि श्यामा चौथ माता की भक्त थी तो माँ अवतरित होकर उसे पुनर्जीवित करती है, लेकिन फिर भी वह वरदान स्वरूप भाई के लिए जीवनदान मांगती है। मेले को देखने के लिए चले तो सजनो श्यामा कहती है कि चल तो चलूंगी, लेकिन मेरे पास में इतने अच्छे नए कपड़े नहीं है। सजनो जब श्यामा इतने वचन सुनाती है तो वो सोचते कि मेरी भाभी के पास में अच्छी अच्छी सुंदरिया है, मैं उसके पास में क्यों ना चलूं, उसकी सुंदरिया लेके और पहन के मैं मेले में मेरी संग सहेलियों के साथ में चली जाऊं। तो सजन हो किस प्रकार से वो भाभी से चुनरी मांगती है और किस प्रकार से वो मेरे के लिए रवाना होती है, भाभी क्या कहती है उस श्यामा से, वो चौपाई के माध्यम से सुनेंगे।